बिहार के गया में शादी के दो दिन बाद हुई दूल्हे की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। युवक की नई नवेली दुल्हन को गिरफ्तार किया गया है। दुल्हन ने ही अपने मौसेरे जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। युवक की हत्या के करीब एक सप्ताह बाद प्रेमी जीजा का भी शव संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस ने बरामद किया। दुल्हन का अपने मौसेरे जीजा के साथ अवैध संबंध था। पूरे मामले की जानकारी देते हुए SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 29 मई को गुरुआ थाना क्षेत्र के लकड़ाही गाँव निवासी सुखदेव यादव के पुत्र अशोक कुमार की 29 मई की रात बारात गई थी। 30 मई को वापस लौटी थी। उसके अगले ही दिन शाम में दोस्त का कॉल आने पर अशोक घर से बाहर गया था, उसके बाद वापस नहीं लौटा। इस दौरान पति की पूरी जानकारी दुल्हन अपने मौसेरे जीजा को दे रही थी। इसके बाद अशोक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और साक्ष्य छुपाने के लिए शव नहर किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को बरामद कर गुरुआ थाने में मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेरघाटी के नेतृत्व में गठित SIT को अनुसंधान के क्रम में पता चला कि मृतक अशोक की नई नवेली पत्नी का अपने मौसेरे जीजा उपेंद्र यादव के साथ अवैध संबंध है, जिसके कई सबूत मिले। अभी पुलिस की जांच चल ही रही थी कि इसी दौरान आमस थाना क्षेत्र से अज्ञात व्यक्ति का एक शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान गुरुआ थाना क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी रामदेव यादव के बेटे उपेंद्र यादव के रूप में हुई। इस संबंध में आमस थाने में मामला दर्ज किया गया। SSP ने बताया कि इस मामले में उपेंद्र यादव का भी शव मिलने के बाद पुलिस ने मृतक अशोक की पत्नी रेवती कुमारी से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में उसने मौसेरे बहनोई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। युवती ने बताया कि शादी से पहले ही होने वाले पति अशोक कुमार को पता चल गया था कि मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव के साथ उसका अवैध संबंध है। उसने शादी से पहले ही मौसेरे बहनोई के साथ मिलकर होने वाले पति की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन उस वक्त वो बच गया था। इसके बाद शादी के दो दिन बाद ही मौका देखकर मौसेरे बहनोई के साथ मिलकर अपने पति अशोक की हत्या करवा दी। SSP आशीष भारती ने बताया कि इस मामले में जब्त किए गए मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच और बेहतर अनुसंधान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। इस मामले में कई अन्य लोगों की भी संलिप्तता की बात सामने आई है। जल्द ही संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी कर सजा दिलवाई जाएगी। 31 मई तथा 1 जून की मध्य रात्रि एक ग्राम लकड़ाही के निवासी ग्राम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा गुरुआ थाना अध्यक्ष को फोन पर यह सूचना दिया गया कि उनके भाई अशोक कुमार वो अपने घर से मिसिंग है और उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो अपने दोस्त से मिलकर आ रहे हैं, परंतु अभी तक वो घर नहीं लौटे। इस सूचना पर थाना के द्वारा पुलिस के द्वारा तुरंत उसकी खोजबीन प्रारंभ की गई। इसी बीच खोजबीन के क्रम में बेलगामा गांव के समीप बैजुआ कोना आहरा के पास जो अशोक कुमार है उनका शव बरामद हुआ था। इस संबंध में गुरुआ थाना कांड संख्या 270/23 दर्ज कर अगतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी SP के द्वारा इसमें SDPO शेरघाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इस मामले में अगतर अनुसंधान तकनीकी तथा जो पारंपरिक रूप से किया जा रहा था। आसूचना संकलन के क्रम में ही यह जानकारी मिली कि जो मृतक है उनकी पत्नी और जो मृतक की पत्नी के एक जो मौसेरे बनोई उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध है और इस सूचना पर इस संबंध में अभी तक जाँच किया जा रहा था, परंतु इसी क्रम में दिनांक कल 6/23 को आमस थाना अंतर्गत लंबुआ मोड़ GT रोड के उत्तरीगंज के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उपेंद्र यादव के रूप में की गई थी, जिस संबंध में आमस थाना में एक UD कांड दर्ज किया गया है जो मृतक है उनके परिजन के आवेदन के आधार पर। जब इस संबंध में अनुसंधान के आधार पर जो मृतक की पत्नी को उससे पूछताछ किया गया तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नी तथा उपेंद्र यादव जिनकी बाद में मृत्यु हो गई उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध थे। इसके काफ़ी तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं और शादी के उपरांत इस संबंध में जो मृतक अशोक कुमार को इसकी जानकारी हो गई थी और इसी कारण जो मृतक की पत्नी के द्वारा उपेंद्र यादव के साथ साजिश करते हुए मिल करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में
जो मृतक गया बिहार से सुरेश निखर की रिपोर्ट।